हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना, तो आज हम लोग कॉन्वेक्स लेंस से इमेज का फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि कैसे कॉन्वेक्स लेंस से हम अलग अलग पोजिशन पर ऑब्जेक्ट को रख करके इमेज बनाते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्केव लेंस से इमेज कैसे बनती है। ठीक है ना, तो हमारा इसमें जो पहला केस है इमेज बनाने के लिए, हमने तीन जो रूल्स हैं उसका फॉलो करेंगे, जिसको इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने उसको बताया था। तो इसमें हम लोग कुल मिला के 6 केस लेंगे। ठीक है ना, और कम से कम ऑब्जेक्ट से 2 रे लेंगे, और 2 रिफ्रैक्शन के बाद दोनों रे जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, जहाँ मिलेंगी, वहीं पर इमेज बनेगी। तो हमारा केस नंबर 1 क्या है, केस है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी का मतलब होता है कि बहुत दूर, बहुत दूर, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा होता है तो उसकी इमेज कहाँ बनती। तो हमने मिरर वाले जो हमने मिरर पढ़ाया था, तो उसके वीडियो लेक्चर में हमने कहा था कि जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो वहाँ से जो रेज आती हैं, तो ये मान लिया जाता है कि वो पैरेलल आती हैं। ठीक है ना, कैसी आती हैं, पैरेलल। जैसे सन हमारे यहाँ से बहुत दूर है, सन रेज हमारे पास आती हैं तो उनकी जो किरणें होती हैं, रेज होती हैं, हमारे पास आती हैं तो पैरेलल आती हैं। ठीक है ना, तो हमारा जो पहला रूल क्या था कि जब कोई लाइट रेज इंसिडेंट होती है लेंस पे, पैरेलली इंसिडेंट होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ से होकर जाती है, सेकेंड फोकस से, मतलब फोकस से होकर के जाती है। ठीक है ना, तो वही है। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि जो इन्फिनिट, ये बहुत दूर है, इसका मतलब इन्फिनिटी पर है, तो यहाँ से रेज आएंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आएंगे, पैरेलल आएंगे। पैरेलल आएंगे तो जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज होती हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ पे जाके मिल जाती हैं, जो लेंस का फोकस होता है। तो चूंकि लेंस में 2 फोकस होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, तो रिफ्रैक्शन लेंस में हो रहा है तो जाके कहाँ पे मिलेंगे, राइट साइड वाले फोकस पे, जिसको हम लोग मेन फोकस मानते हैं। ठीक, तो इसका मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा इन्फिनिटी, तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है। अब देखिए यहाँ पे रियल में रिफ्रैक्शन के बाद इंसिडेंट रे जो होंगी वो रियल में मिल रही है, इसका मतलब यहाँ पे रियल इमेज बनेगा, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। इसका मतलब है कि इमेज जो बनेगी वो फोकस पे बनेगी, सेकेंड फोकस पे लेंस के, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और मच स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी, इतनी छोटी यहाँ पे बनती है इमेज कि उसका उल्टा सीधा कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल है, हमने पहला ही ला दूसरा ला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 पैरेलल रेस, क्योंकि बहुत दूर से रे किरणें जो इनफाइनाइट से पैरेलल आती हैं और कहाँ पे जाके फोकस पे कन्वर्ज हो जाती हैं, तो इसलिए इमेज भी कहाँ पे बनती है, फोकस पे बनती है। तो इमेज इज फॉर्म एट सेकेंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, रियल इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होता है इमेज इज मच स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये बहुत ही आसान था। अब चलिए हम लोग अपना इसका जस्ट अपोजिट पढ़ते हैं, केस नंबर 2। इसका जस्ट अपोजिट पढ़ते हैं केस नंबर 2, कि जब ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, फोकस पे रखा हो। इससे आप लोगों को आसानी होगी कि इसमें 6 केस में 2 केस ऐसे हैं जिनके 2 अपोजिट होते हैं और 2 केस होते हैं अलग। तो इस तरह से हम इसको बता रहे हैं इसका जस्ट अपोजिट, कि आपको याद भी रहेगा कि जो इनफाइनाइट पे है तो फोकस पे बन रहा है, फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका जो इमेज इनफाइनाइट पे बनना चाहिए। तो चलिए अपने सेकेंड केस को चलते हैं कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, लेंस के फर्स्ट फोकस पर रखा हो। ठीक है, चलिए सेकेंड केस क्या है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट F1, यानी फर्स्ट फोकस ऑफ द लेंस। क्योंकि फर्स्ट फोकस, 2 फोकस होते हैं, तो चूंकि जानते हैं कि ऑलवेज जो इमेज होती है ऑलवेज किस साइड रखी जाती है, लेफ्ट साइड रखी जाती है। तो अभी हमने देखा था कि फोकस इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट था तो फोकस पे इमेज बनी थी, हमने ऑब्जेक्ट को ही फोकस पे रख दिया, फर्स्ट फोकस ऑफ द लेंस, तो उसका उल्टा होता है, इमेज कहाँ बननी चाहिए, इनफाइनाइट पर बननी चाहिए। तो चलिए हम अपने रूल को सीधे सीधे अप्लाई करते हैं। हमने बताया था कि जो पहला रूल होता है आपका वो श्योर लगेगा, और दूसरे तीसरे में जो हमको आसानी लगेगी, जो फिट बैठेगा उसको हम लगाएंगे, और कम से कम 2 रेस हमें ऑब्जेक्ट से लेना है। तो देखिए, चलिए देखिए, ये ऑब्जेक्ट है कहाँ पर रखा हुआ है, फोकस पे,
पहला है कि हम लोग क्या लेते हैं, पैरेलल, अगर हम ले पैरेलल रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के आती है रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से होके जाएगी, कहाँ से, फोकस से। दूसरा हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर लाइट रेस अगर पास होती है कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस से, तो अनडिविएटेड वो सीधे निकल जाती है। देखिए हमने ये पासिंग कराई कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, तो इसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं है, सीधे निकल गई। अब देखिए ये दोनों रे आपस में क्या है, पैरेलल हैं, और पैरेलल रेस कहीं मिलती नहीं है, तो ये माना जाता है कि पैरेलल रेस इनफाइनाइट पे जाके मिलती हैं। इसका मतलब है कि इनफाइनाइट पे जाके वो इमेज बनाएंगी। तो वो इमेज कैसे होगी, जस्ट उसकी अपोजिट बात बोलेंगे, वो इनफाइनाइट पेज बनेगी, रियल होगी, क्योंकि रियल में ये रेस मतलब इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगी, ठीक है ना, क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद जो एक्चुअल में रेज मिलती है वहाँ पर रियल इमेज बनता है, और अपीयर टू मीट यानी मिलती हुई प्रतीत होती है तो वहाँ वर्चुअल इमेज बनता है। तो कहने का मतलब है कि जो इमेज बनेगा वो इनफाइनाइट पे बनेगा, इन्वर्टिव, रियल, हाईली इनलार्ज्ड बनेगा, एक तरह से मैग्निफाइड बनेगा। तो यहाँ क्या, दिस द इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, अदर साइड ऑफ द लेंस, रियल, इन्वर्टेड, हाईली मैग्नीफाइड, मतलब मच लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, मच लार्जर साइज इन देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, तो बहुत लार्जर बनता है ऑब्जेक्ट से। तो जस्ट अपोजिट केस फर्स्ट, ठीक है ना, तो आप केस फर्स्ट अगर याद रखेंगे तो आपको केस ये जो है अपने आप उसका अपोजिट होता है, तो आपको लिखने में भी आसानी होगी, ठीक है ना। तो ये हमारा केस नंबर सेकंड था जो कि हमने रूल को फॉलो करके आसानी से फिगर बना लिया और हमने कि स्केच कर लिया, ठीक है ना। तो इसी तरह से एग्जाम में पूछ सकता है कि उसका वो स्केच कर खींचिए, ड्रॉ स्केच व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी या एट फर्स्ट फोकस ऑफ द लेंस, तो इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, उसका जो है स्केच ड्रॉ करिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो चलिए अब ये दूसरे के बाद हम लोग अपना तीसरा केस लेते हैं कि तीसरा केस क्या है कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट और लेंस की दुगनी फोकस दूरी के बीच में रखा हो। हम लोग केस नंबर तीन देखते हैं। तो केस नंबर तीन हमारा क्या है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f का मतलब है 2f1 मतलब है कि जो लेंस की फर्स्ट फोकस दूरी होती है, फर्स्ट फोकस दूरी के दुगनी फोकस दूरी से दूर, दुगनी फोकस दूरी से दूर, बियॉन्ड 2f1। 2f1 क्या होता है अभी हम चर्चा करते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि इस बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2f1। देखिए जो आपकी फोकल लेंथ होती है वो होती है ऑप्टिकल सेंटर से फर्स्ट फोकस के बीच की दूरी, जस्ट इसी का डबल कर देंगे तो दुगनी फोकस दूरी, तो इसको हम लोग 2f1 कहते हैं। इसी तरह से ये फोकस दूरी का जस्ट डबल कर देंगे तो 2f2 कहते हैं। तो इसको अगर हम बोलें तो दुगनी फोकस दूरी, मतलब 2 टाइम ऑफ द फोकल लेंथ, ठीक है ना। जैसे मिरर में क्या होता था कि मिरर में फोकल दूरी का जब हम डबल करते थे तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचते थे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो रोल जो है यहाँ पे इसका डबल फोकल लेंथ होगा, लेंस का जो डबल फोकल लेंथ होगा वो मिरर की तरह जो मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोजीशन होती थी वही पोजीशन यहाँ पे लेंस की फर्स्ट फोकस दूरी का जो डबल होता है वो रोल मतलब प्ले करता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट फोकस दूरी का है और इसका डबल हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2f1, इस फोकस दूरी का डबल हम रिप्रेजेंट करेंगे 2f2। तो इमेज कहाँ रखी गई है, 2f1 के बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब दूर, या आप ये कह लीजिए कि इनफाइनाइट और 2f1 के बीच में, इस बिटवीन 2f1 एंड इनफाइनाइट। तो देखिए ये पोजीशन होती है। अब कह देगा कि इसका जो है स्केच ड्रॉ करिए, तो आप क्या करेंगे कि इमेज ऑब्जेक्ट से दो रे लेंगे। अब हम अपने रूल पे आते हैं, रूल फॉलो करेंगे। तो पहला दूसरा अक्सर पहला तो लगेगा दूसरा ही लगता है ज़्यादातर, ठीक है ना, जो मतलब सेट बैठता है। तो देखिए पहला पैरेलल लेंगे तो कहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद जाएगी, फोकस से। दूसरी रे ले लीजिए, कहाँ से पास कराइए आप, ऑप्टिकल सेंटर से, अनडिविएटेड वो निकल जाएगी, मतलब विदाउट बीच मतलब डिविएटेड, ठीक है ना।
तो वो सीधे निकल जाएगी। अब दोनों रे जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या एक दूसरे से मिलती हैं वहाँ पे इमेज बनती है। तो यहाँ पे देख लिए कि दोनों रियल में यहाँ मिल रही हैं, तो यहाँ पे कैसी इमेज बनेगी, रियल बनेगी। तो याद रखिएगा जो कॉन्वेक्स लेंस के दूसरे साइड यानी कि राइट साइड में जितनी भी इमेज बनेंगी सब रियल इमेज बनेंगे, क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद रेस एक्चुअल में मीट करेंगे, ठीक है ना। तो इमेज कहाँ बनी हमारी, इमेज बनी F2 और 2F2 के बीच में, इन बिटवीन F2 एंड 2F2, यानी कि फोकल दूरी और दुगनी फोकल दूरी के बीच में, फोकल दूरी और दुगनी फोकल दूरी के बीच में। तो हालांकि आप जो है इस चीज़ को अगर आता है एग्जाम में तो आप फिगर पहले अपने माइंड में याद रखिए कि बनता कहाँ, तो फिगर पहले ही से बना रखिएगा कि यहाँ पे होता है तो इमेज यहाँ बनता है, थोड़ा सा छोटा बनाएंगे क्योंकि छोटा बनता है ये बड़ा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है इसमें लेकिन ये साइज में छोटा होता है, ठीक है ना। तो आप जैसे कि ये और ये पहले ही खींच लीजिएगा, फिर रेस को ले जा करके वहीं मिला दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि आप इस तरह से लेते हैं तो रेस सही जा करके मीट नहीं होती, हाथ से नहीं बनती है। तो हमको पता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ इमेज बनेगी, तो इमेज छोटी करके यहाँ बना लेंगे यहाँ ऑब्जेक्ट, और फिर रेज ले जा करके वहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद मिला देंगे, ठीक है ना। तो देखिए इमेज से ये इमेज जो है ऑब्जेक्ट से क्या बनी, छोटी बनी, कहाँ बनी, F2 2F2 के बीच में। कैसी बनी, अब इन्वर्टेड है तो इसका मतलब रियल है, तो इन्वर्टेड और रियल स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। यह लिखा इमेज इज फॉर्म बिटवीन F2 टू F2 ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, रियल इन्वर्टेड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर इन साइज। देखिए देखने में छोटी है कि नहीं, देखने में इमेज क्या है, छोटी है, इन्वर्टेड है, इसका मतलब रियल है, अदर साइड ऑफ द लेंस यानी कि राइट साइड ऑफ द लेंस, ठीक है ना। तो हम अब इसी का अपोजिट केस पढ़ते हैं। अपोजिट केस का मतलब है कि अब हम ऑब्जेक्ट को इनके बीच में रख देते हैं। देखिए जैसे इमेज इनके बीच में बना ना, तो हम ऑब्जेक्ट को ही इनके बीच में रख देते हैं, तो इसका मतलब इमेज यहाँ बनना चाहिए बियॉन्ड 2F2 यानी इनफाइनाइट और 2F2 के बीच में, और इमेज जो ऑब्जेक्ट से क्या होना चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो जस्ट इसी को उल्टा, तो हमारा चौथा केस जस्ट इसी का अपोजिट है। चलिए अब उसको देखते हैं, इसको रब करते हैं, ठीक है ना। चलते हैं अपने चौथे केस। हमारा चौथा केस क्या है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बिटवीन F1 टू F1 मतलब फोकस दूरी और दुगनी फोकस दूरी के बीच में, जस्ट अपोजिट केस नंबर 3, जस्ट अपोजिट केस नंबर 3 यानी फर्स्ट फोकस दूरी और दुगनी फोकस दूरी के बीच में, ठीक है ना, फर्स्ट फोकस दूरी का डबल के बीच में। तो देखिये उसका अपोजिट है एकदम। तो देखिए हम पहले अपने रूल को, एकदम इजी है रूल, पहला लगाएंगे। पहला क्या है कि जब कोई पैरेलल रेस प्रिंसिपल एक्सिस के आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से जाएगी, फोकस से ऊपर जाएगी, तो फोकस होके गई। दूसरा, हमने रे कहाँ से लिया, पास कराया ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, तो बिना डिविएटेड और विदाउट डिविएटेड सीधे निकल जाती है। तो कहने का मतलब है इसमें रिफ्रैक्शन होता नहीं, उसी रास्ते से सीधा चली जाती है। अब दोनों जहाँ एक दूसरे के इंटरसेक्ट करती हैं यानी मिलती हैं, काटती हैं, वहाँ इमेज बनती है। तो इमेज अब बात उसी के अपोजिट है, वहाँ पे देखिए क्या था, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था बियॉन्ड टू एफ वन, ठीक है ना। तो इमेज इन दोनों के बीच में बनती थी, अब ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में रखा है तो इमेज क्या बनेगी, बियॉन्ड टू एफ टू। कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड, क्योंकि रियल में रेज यहाँ होती हैं, और दूसरी साइड अगर लेंस के राइट साइड में इमेज बनती है कॉन्वेक्स लेंस के, तो वो कैसी होगी, रियल होगी। तो देखिए रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, और इसमें लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, और इससे क्या होगी, लार्जर बनेगी। तो ये केस नंबर 3 का जस्ट अपोजिट है, ठीक है ना। तो देखिए हमने सिंपल सा रूल लगाया भाई, आप अपने से खींच सकते हैं, एक बार प्रैक्टिस करेंगे आराम से खींचा जाएगा, बस अपने रूल पे कायम रहिएगा। तो द इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड 2F2 ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, रियल इन्वर्टेड, लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, ठीक। तो बिल्कुल जस्ट अपोजिट है ना केस नंबर 3 का। अब आगे हम दो केस पढ़ेंगे जिसका अपोजिट नहीं है, वो अलग अलग है, ठीक है ना। जैसे हम लोग मिरर में पढ़ते थे कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का रोल इसमें कौन अदा कर रहा है, 2F1। तो अब हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, 2F1 यानी कि लेंस की दुगनी फोकल दूरी पे रखा हो, तो
तो इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, है ना। चलिए तो केस नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं, ठीक है। ओके तो देखते हैं अपना 5वां केस की 5वां केस क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है। तो हमारा जो 5वां केस है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 2F1, यानी कि 2F1 का मतलब होता है कि जो हमारा लेंस है उसकी फर्स्ट फोकस दूरी की दुगनी फोकस दूरी पे, ठीक है ना, इसका ये डबल होता है। तो हम देखते हैं कि इमेज कहाँ बनती है, तो हम अपना रूल लगाएंगे। पहला, रेस पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद जाएगी फोकस से, यानी कि सेकेंड फोकस से। और जब हम लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो रेस क्या होगी, सीधे निकल जाएगी, बिना रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, उसी रास्ते पे निकल जाएगी, विचलित नहीं होगी। अब दोनों देखें, यहाँ पे काट रहे हैं तो यहाँ पे इमेज बना दीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा आप जब बनाएंगे तो रे को सीधा रखेंगे, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि जो इमेज बनती है वो इसी साइज की बनती है जिस साइज की ऑब्जेक्ट होती है, और वहीं पे इमेज बनती है जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी होती है, बस फर्क है कि वो दूसरे साइड पर बनती है। लेंस से जितनी दूरी पर इधर रखी होती है उतनी दूरी पर इधर बनती है, यानी कि लेंस के फर्स्ट फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखी होती है तो लेंस के सेकेंड फोकस दूरी की दुगनी फोकस दूरी पे बनती है, और ऑब्जेक्ट के साइज की बनती है, इन्वर्टेड रियल बनती है, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज जो होती है वो रियल ही होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा, इमेज इज फॉर्म्ड एट 2F2 ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा 5वां केस है जो थोड़ा डिफरेंट था, इसका कोई अपोजिट नहीं है। और एक लास्ट केस इसमें हम लोग पढ़ते हैं कॉन्वेक्स लेंस से, जो है केस नंबर 6, और वो है कि जब ऑब्जेक्ट होगा F1 और ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि F1 फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी हो, तो इमेज कहाँ बनती है। तो ये एक ऐसा केस है जब इमेज जो है वो इमेजिनरी बनती है, वर्चुअल बनती है, और ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा बड़ी बनती है, लार्ज बनती है, मैग्नीफाइड बनती है, और उधर ही बनती है जिधर ऑब्जेक्ट रखा रहता है, ठीक है ना। और इसी का उपयोग हम लोग जाकर के सिंपल माइक्रोस्कोप में करते हैं, माइक्रो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में या सिंपल माइक्रोस्कोप में करते हैं। जैसे मिरर में हमने इस पोजीशन का उपयोग किया था मेकअप करने के लिए, अपनी सेविंग करने के लिए, ठीक है ना। फेस कहाँ रखते थे, पोल और फोकस के बीच में रखते थे, तो उसकी इनलार्ज्ड मैग्नीफाइड इमेज बन जाती थी, वो जो वर्चुअल होती थी। तो बिल्कुल उसी तरह का 6वां केस है। तो चलिए हम लोग अपना देखते हैं कि 6ठा केस क्या है। हमारा 6ठा केस क्या है, जो कि इम्पोर्टेंट केस है, अक्सर इसका इस्तेमाल जो हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में करते हैं। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, यानी कि फर्स्ट फोकस और लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन O एंड F1, ऑप्टिकल सेंटर एंड फर्स्ट फोकस के बीच में है, तो उसकी इमेज लेंस द्वारा कैसी बनती है। ऐसी एक पोजीशन है जिसमें लेंस द्वारा इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनती है, और उसी साइड बनती है जिस साइड हम लोग ऑब्जेक्ट रखे होते हैं। तो इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड F1, मतलब F1 से परे, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट रखा होता है, वर्चुअल, देखिए इरेक्ट है तो इसका मतलब वर्चुअल है, मैग्नीफाइड मतलब है कि लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, देखिए इससे जो लार्जर बना। तो देखिए रूल हम लोग वही तीसरे रूल की ज़्यादा जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारा जो पहला और दूसरा ही रूल अप्लाई करने से काम बन गया। तो हमने बताया था कि पहला तो जरूर लगता है, दूसरा और तीसरे में जो सूटेबल हो, तो इस लेंस में तीसरा रूल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो देखिए पहला हमने क्या लगाया, पैरेलल लिया, रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से होके जाएगी, फोकस से। दूसरा हमने लिया, कैसा लिया, ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाली रेस जो होती है वो सीधे निकल जाती है, अनडिविएटेड। अब ये आप पीछे देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये पीछे फैलती हुई जा रही है, इनके बीच जो है रिफ्रैक्टेड रेस के बीच की गैपिंग बढ़ती जा रही थी, कहीं मीट नहीं करेंगे, कहीं मिलेंगे नहीं, इसका मतलब उधर इमेज बनेगा ही नहीं। लेकिन इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं तो हमें लगता है कि यहाँ पे जा करके मिल रही हैं। तो अगर हमारी यहाँ पे आँख हो, मतलब आई हो, आईज इधर पे हो, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ अगर आँख से देखेंगे अपने, तो हमें लगेगा कि ये जो रेज हैं वो यहाँ से आ रही हैं, तो जहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही हैं
तो यहाँ पे अपियर हो रही है ना, तो जहाँ पे कहने का मतलब होता है कि जहाँ से डाइवर्ट होती हैं, प्रतीत होती हैं, अपियर टू डाइवर्ट, तो वहाँ पे कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो लगेगा कि रेज यहाँ पे आ रहे हैं, इसका मतलब इसकी इमेज यहाँ पे दिखाएगा, और दिखाएगा किससे बड़ी है, इनलार्ज्ड है ना, देन द ऑब्जेक्ट, और देखिए सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट है, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है लेंस के उसी साइड पे इमेज भी बनती है, बड़ी बनती है, इरेक्ट है, तो वर्चुअल है, ठीक है ना। तो रोल एकदम सिंपल है, और जैसा आपने मिरर में प्रैक्टिस किया वैसा यहाँ पे भी करना है, ठीक है ना। तो कभी कभी एग्जाम में इसका जो है स्केच ड्रॉ करने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा छठवां केस है, इसी केस का जो हम लोग जाकर के उपयोग में लाते हैं कहाँ पे, सिंपल माइक्रोस्कोप में। हालांकि अभी लेंस का हम लोग यूज पढ़ना बाकी है, कहाँ कहाँ यूज होता है, थोड़ा सा किसी वीडियो में हम उसको बता देंगे कि यूज कहाँ होता है। तो सिंपल सी बात है, इसका यूज सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, फोटो कैमरे में होता है, और जो व्यक्ति के आँख के चश्मे में होता है जिसको आई डिफेक्ट होता है, तो वहाँ पे लेंस का प्रयोग किया जाता है। और घड़ी साज वाला जो व्यक्ति होता है, घड़ी मेकर होता है, जो बनाने वाला वॉच मेकर, वो उसके चश्मे में भी लेंस लगा होता है। तो ये इन सारे जगहों पे लेंस यूजफुल होता है, ठीक है। तो ये हमारा छठवां केस था, और ये यहीं पे समाप्त होता। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, जिसमें दो ही केस पॉसिबल होते हैं। जैसे मिरर जो था, कॉन्वेक्स मिरर जो था, उसमें दो ही केस पॉसिबल होते थे, उसी तरह से इसमें भी दो ही केस पॉसिबल होते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस से कैसे इमेज बनती है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से हम इमेज कैसे बनाते हैं, रूल तो वही अप्लाई करेंगे। तो इसमें दो ही केस होता है, एक केस वो होता है कि ऑब्जेक्ट जो है, इसमें होता क्या है कि ऑब्जेक्ट लेंस के लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है, कहीं भी रख दिया जाए ऑब्जेक्ट को, यानी कि फोकस और इंफिनिटी के बीच में कहीं, यानी फोकस पे नहीं, फोकस और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी रख दिया जाए, उसकी इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और सेकेंड फोकस के बीच में ही बनती, हमेशा, यानी फोकस और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी आप रख दो, उसकी इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही बनती है, सेकेंड फोकस और ऑप्टिकल सेंटर में इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी, और स्मॉलर इन साइज देन दी ऑब्जेक्ट बनेगी, और उसी साइड बनेगी जिधर ऑब्जेक्ट रखा होता है, ठीक है ना। एक दूसरा केस भी हम लोग अभी इसके बाद पढ़ लेंगे, कि एक दूसरा केस ये होगा कि जब ऑब्जेक्ट खिसक करके कहाँ आ जाए, फोकस पे आ जाए, तो क्या हो जाएगा, जब अरे सॉरी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे चला जाएगा तो इमेज खिसक करके कहाँ आ जाएगी, फोकस पे आ जाएगी, बस यही परिवर्तन है, ठीक है ना। कहाँ पे आ जाएगी, फोकस पे आ जाएगी। तो देखिए इसमें आप रूल लगाइए, पहला रूल लगाएंगे पैरेलल आएगी रिफ्रैक्शन के बाद, इसका जो नेचर होता है रेस को डाइवर्ट कर देता, फैला देता है, लेकिन हम इसको पीछे बढ़ाते हैं तो लगता है कि वो फोकस से आ रही है, ठीक है ना, फोकस से आती हुई प्रतीत अपियर होती है। दूसरा क्या है, हम दो रे लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से ले रहे हैं तो वो अनडिविएटेड सीधे निकल जाएगी, पतला लेंस है, हम लोग जो भी स्टडी कर रहे हैं लेंस, पतले लेंस के बारे में कर रहे हैं। अब दोनों देखें यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और यहीं पे इमेज बन जाएगी, इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो इमेज इज फॉर्म बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल इरेक्ट स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट ऑलवेज। बस एक दूसरा केस ये हो सकता है, सेकेंड केस भी हम लोग देख सकते हैं कि ये इनफाइनाइट पे चला जाए, यानी कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे चला जाए तो ये क्या खिसक करके फोकस पे आ जाता है, ठीक है ना, और बहुत छोटी इमेज बन जाती है, स्मॉलर, ठीक है ना, डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड बन जाती है, स्मॉलर है, छोटी से छोटी आ जाती है, पॉइंट ऑफ पॉइंट इमेज बनती है, ठीक है ना। तो उसको हम देख लेते हैं, सेकेंड केस क्या हमारा है, तो सेकेंड केस भी जल्दी से देख लेते हैं। तो हमारा जो सेकेंड केस है, इसमें व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी,
ठीक है ना। तो देखिए इसमें ऑलवेज वर्चुअल इमेज ही बनती है। ये देखिए इसका सेकंड फोकस है यहाँ पे, इधर इसका फर्स्ट होता है। अब देखिए इंफिनिटी पे आती है, जाहिर सी बात है बहुत दूर, यानी कि इनफाइनाइट से रेज जब आएंगी तो कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। पैरेलल आती है रिफ्रैक्शन के बाद, ये फैल जाती है, लेकिन इसको पीछे बढ़ाने पे लगता है कि ये फोकस से आ रहे हैं। उसी तरह से ये जाएंगे इधर इधर चली जाएंगी, ठीक है ना। ये इधर आती हैं तो क्या हो जाती है, फैल जाती है। और हम अगर ये साइड से देखें तो हमें लगता है ये चीज कहाँ से आ रहे हैं, फोकस पे। तो कहाँ पे इमेज बना देती है, फोकस पे बना देती है, एकदम मच स्मॉलर साइज में बनाती है, ठीक है ना, देन दे ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है, और कहाँ बनती है, सेकेंड फोकस ऑफ द लेंस सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट रखा होता है उधर ही बनाती है। तो इसमें केवल दो केस पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये ऑलवेज हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है, फोकस पे बनाएगा या नहीं तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस से हम इमेज कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। हमने अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख करके अलग अलग देखा कि कहाँ पे इमेज और कैसी बनती है। इस तरह छो में इन छह पोजीशन में से किसी एक पोजीशन को आपके एग्जाम में स्केच ड्रा करने के लिए पूछ सकता है कि भाई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो इसका स्केच ड्रा करिए कि इमेज कहाँ बनेगी और कैसे बनेगी। तो आप इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, रूल को अपने दिमाग में फीड कर लेंगे तो बहुत सिंपली है, मतलब इजी है इसको बनाना, और आप आराम से बना सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर अब हम यही समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस पढ़ेंगे, रेखीय आवर्धन जिसको हिंदी में कहते हैं उसका फार्मूला पढ़ेंगे क्या है, और लेंस फार्मूला क्या है, एक फार्मूला है इसका डेरिवेशन नहीं है तो उसके बारे में पढ़ेंगे, और कैसे उसको अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल लगाने में इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।